बैक टू माई चैनल श्रद्धा शपस। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना आइकॉन नायका हॉल। बट मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ पार्ट वन शेयर किया था, बट ये पार्ट टू नहीं है, बिकॉज पार्ट टू अभी कुछ दिनों में बहुत जल्दी आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। बट ये मेरा एक छोटा सा मिनी सा नायका हॉल जो है, जो कि अभी सेल चल रही थी रिसेंटली नायका पे, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट वहाँ से परचेज किए थे, तो मैं उसी का ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ही ज़्यादा वाला प्रोडक्ट का हॉल नहीं है, तो इसमें मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लिपस्टिक्स हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मिडल नायका हॉल। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं नायका से अगेन, तो मैं अभी उन्हीं का ही रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बट अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए प्रोडक्ट परचेस किए हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ से बाई नहीं किए, अभी मैंने कुछ ही प्रोडक्ट बाई किए हैं, बिकॉज नायका पे सेल चल रही थी, तो ये एक सेल काइंड ऑफ हॉल कह सकते हैं। तो मैंने कुछ लिपस्टिक्स ट्राई किए हैं वहाँ से। तो फर्स्ट वन मैंने ट्राई किया है ये मेबेलिन की लिपस्टिक, तो मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ था बॉक्स में, बट मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है ऑलरेडी। तो मैंने फ़र्स्ट मंगवाए हैं वहाँ से मेबेलिन की लिपस्टिक्स, और सेकंड मैंने वहाँ से ट्राई किए हैं लैक्मे के क्रियॉन। तो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ लैक्मे के क्रियॉन्स, वहाँ से मैंने परचेस किए हैं लैक्मे के क्रियॉन्स दो, और मैंने ट्राई किए हैं, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ मेबेलिन के लिप बुलेट लिपस्टिक, जो कि बहुत अच्छा रिव्यू जैसा कि है, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं मेबेलिन के प्रोडक्ट। बट मैंने पहली बार ही कुछ मेबेलिन का ट्राई किया है लिपस्टिक या फेस से रिलेटेड। हाँ, कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ किया था, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आई थिंक या फिर पार्ट टू में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने ये दो क्रियॉन परचेज़ किए हैं ये लैक्मे के, तो ये कुछ इस तरीके से है। एक मुझे मिल जाता है ये कलर, और इसका जो शेड है ये है 09 सिनेमन ब्राउन, तो ये वाला शेड है, और ये कुछ ऐसा लग रहा है मैटिस काइंड है, तो मुझे लगता है कुछ ओल्ड टाइप दिख रहा है मुझे। तो इसका जो शेड है वो है ये, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, थोड़ा न्यूडिश काइंड है सिनेमन टाइप्स, तो ये वाला शेड है। ये क्रियोन भी मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ लैक्मे के, तो ये कुछ इस तरीके का शेड है। अभी आप लोग कैमरे पे आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से है, न्यूड शेड है। और लैक्मे के लिपस्टिक ज़रूर मैंने बहुत ट्राई किए हैं, इवन लैक्मे के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, और हमेशा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत ही ज़्यादा औसम रहा है। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्रियॉन है, सेकेंड वाला ये वाला क्रियॉन है, दिस वन, ये है बेबी पिंक, जी ये है बेबी पिंक, और इसका जो शेड है वो है आपका इसका वाले क्रियॉन का जो शेड है वो है 08 बेबी पिंक। तो ये कुछ इस तरीके का है। अगर आप लोग लैक्मे के लिपस्टिक्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, क्रियॉन यूज़ कर चुके हो, तो आप लोगों को पता होगा कि इसके क्रियॉन्स कैसा वर्क करते हैं, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। बाकी सारे बहुत सारे मैंने मेकअप आइटम्स ऑलरेडी उसके यूज़ किए हैं, परचेस कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बट क्रेयॉन मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। तो ये वाला तो मैट काइंड ऑफ फिनिश दे रहा है, तो ये वाला तो कुछ मैट काइंड फिनिश दे रहा है, ये ब्राउनिश शेड है न्यूड, और ये बेबी पिंक वाला हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शाइनी जैसा है। तो ये वाला जो शेड है मुझे लगता है एज अ कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, और देखते हैं ये वर्क कैसा करता है, अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये वाले दो शेड हैं, और एक मैंने ट्राई किया है ये मेबेलिन का लिपस्टिक वाला, मैंने ये ट्राई किया है मेबेलिन का लिपस्टिक, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कलर, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, पैकिंग बहुत ज़्यादा रफ है, सो दिस इस तरीके का है। अगर आप लोग मेबेलिन का यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। तो मैंने इस पर शेड जो परचेस किया है वो फायर क्रैकर रेड है, ये वाला शेड है इसका, जो कहते हैं बिल्कुल प्योर रेड, रेड कलर, चेरी रेड जिसको बोलते हैं।
तो ये वाला शेड जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो ये वाला शेड कुछ यस बहुत ही ज़्यादा बोल्ड वाला कलर है, बिल्कुल प्योर रेड काइंड कलर होता है, जो ऑरेंजिश सा थोड़ा सा शेड देता है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये वाला जो शेड है वो काइंड ऑफ रेड ऑरेंज कह सकते हैं, और ये वाला जो शेड है इसका शेड नंबर तो मुझे यस इट्स अ फायर क्रैकर, हाँ 633 रेड, तो ये वाला शेड है। और मैं लिंक तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही देती हूँ हमेशा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको कुछ परचेज़ करने में। तो ये वाला शेड जो है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, अगर आप पार्टी लुक क्रिएट कर रहे हैं या फिर वेडिंग गेस्ट पार्टी में अगर कहीं जा रहे हैं तो आप ये वाला शेड ज़रूर ट्राई कीजिए, आपका वेस्टर्न लुक के साथ साथ इंडियन लुक पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है ये वाला शेड। और मेबेलिन के तो सारे प्रोडक्ट ही अमेजिंग है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ब्लाइंडली आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट। और एक मैंने ये ट्राई किया है मेबेलिन का, ये न्यूट शेड है ये वाला, और इसका जो शेड है 657 न्यूट, हाँ तो ये वाला शेड है, और ये भी कुछ पहले वाले लैक्मे लाइक ही जैसा शेड था। इसका जो शेड है वो जस्ट काइंड लैक्मे के क्रियोन टाइप सी है, ये भी मैट है, बट ये वाला मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और मेबेलिन का है तो डेफिनेटली जो शेड है वो जस्ट काइंड लैक्मे के क्रियोन टाइप सी है, ये भी मैट है, बट ये वाला मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और मेबेलिन का है तो डेफिनेटली ब्लाइंडली आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, तो अगर आप लोग मेबेलिन का परचेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ या फिर कुछ देखने का ज़रूरत है, तो आप लोग खुद ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। आप ऑलरेडी अगर मेबेलिन की शॉपिंग कर चुके हो मेबेलिन के मेकअप प्रोडक्ट्स की तो बहुत ही अमेजिंग रेंज है, और स्पेशली नायका से परचेस कीजिए, कुछ ना कुछ ऑफर चलते ही रहते हैं, ऑलवेज सेल चलती है वहाँ पे, तो आप लोग ये वाले प्रोडक्ट्स हैं नायका से परचेस कर सकते भूलेगा। और अगर मेरे लिपस्टिक के शेड आपको पसंद आए हैं और कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।